गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन द थर्ड साइंस क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स अंडर चैप्टर 3, दैट इज एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 3 एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं फीडिंग हैबिट्स ऑफ सम अदर एनिमल्स, और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अलग से किस लिए पढ़ रहे हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने जो तरीके पढ़े हैं अभी वेज ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग में, उनसे अलावा भी कुछ तरीके हैं जो जानवरों को अलग दिखाते हैं, क्योंकि उनके खाने का तरीका अलग है। तो वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वो खाने का तरीका उनका अलग है, तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एलिफेंट जो है वो कैसे खाना खाता है। तो उसके पास क्या है, अपनी सूंड है, उसके पास ट्रंक है, और उसी का इस्तेमाल वो क्या करता है, टहनियों को नीचे झुका करके और पत्तियों को तोड़ने के लिए करता है। तो चलिए और इसके बारे में पढ़ते हैं और क्या क्या करता है ये। तो एलिफेंट हैव ए ट्रंक, एलिफेंट हैव मीन्स रखता है या होता है, इसके एक ट्रंक होता है, सूंड होता है। टू सक इन वाटर, शक होता है चूसना, तो पानी को शक करने के लिए, उसको चूसने के लिए ये अपने सूंड का इस्तेमाल करता है। टू रीच फॉर ब्रांचेज, और टहनियाँ जो ऊपर की तरफ हैं उन तक पहुँचने के लिए, रीच का मतलब पहुँचने के लिए, तो शाखाओं तक पहुँचने के लिए। एंड पिक द फूड फ्रॉम द ग्राउंड, और ग्राउंड से, जमीन से पिक करने के लिए, फूड को पिक करने के लिए, पिक मतलब उठाने के लिए वो अपनी सूंड का इस्तेमाल करता है। एंड पुट इट इन टू देयर माउथ, और पुट मीन्स रखने के लिए या डालने के लिए कह सकते हो। इट का मतलब यहाँ पर है वो फूड, जो उठाया हुआ भोजन है उसको वो क्या करता है, अपनी सूंड की मदद से पुट करता है, रखता है या डालता है। इन टू देयर माउथ, वो अपने मुंह में उस भोजन को डालते हैं। तो यहाँ पर हमने सूंड के कितने कितने काम पढ़े, देखिए पहला सक इन वाटर, फिर से देख लीजिए, सक इन वाटर पानी को चूसने के लिए या पीने के लिए, वैसे पीने के लिए नहीं कह सकते हम इसको, चूसने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। वो पानी को अपनी सूंड से ऊपर खींचता है और फिर उस सूंड को अपने मुंह में ले जा करके और उस पानी को मुंह में डाल देता है। ठीक ऐसे ही वो खाने के लिए करता है, पिक द फूड फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से भोजन को उठाने के लिए। एंड पुट इट इन टू देयर माउथ, और उसको मुंह में डालने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो ऊंची शाखाएं हैं जहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो उस तक पहुँचने के लिए भी वो अपनी सूंड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये हो गए, ये पूछ सकता है कि आपसे भी बताओ एलिफेंट जो है अपनी ट्रंक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करता है, तो आप इसमें बता सकते हैं, एलिफेंट यूज इट्स ट्रंक टू सक इन वाटर, पानी को पीने के लिए, सॉरी चूसने के लिए। रीच फॉर ब्रांचेस, शाखाओं तक पहुंचने के लिए। पिक द फूड फ्रॉम ग्राउंड, जमीन से भोजन को उठाने के लिए। एंड पुट इट इन टू देयर माउथ, और मुंह में डालने के लिए, ठीक है। तो ये फोर जो फंक्शन है इसके आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लिजर्ड एंड फ्रॉग, क्योंकि इन दोनों में भोजन को लेने का तरीका सेम ही है। आपने देखा भी होगा मेंढक को या छिपकली को, जब भी कोई कीड़ा उसके नज़दीक जाता है, कोई इंसेक्ट उसके नज़दीक जाता है, तो क्या करता है, अपनी जीभ को बाहर निकालता है और उस जीभ के साथ वो कीड़ा चिपक जाता है, और जैसे वो चिपकता है तो उसको तुरंत वो अपने मुंह के अंदर खींच लेता है। तो इसमें हम लिखेंगे हैव लॉन्ग, एक लंबी, हैव का नाम पहले बताया था, हैव का नाम रखता है, तो ये दोनों के अंदर ही, ये दोनों क्या रखते हैं, लॉन्ग लंबी स्टिकी टंग,
चिपचिपी जीव टू कैच इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को, कीड़ों को कैच करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए वो अपनी लंबी और चिपचिपी जीव का इस्तेमाल करते हैं। द इंसेक्ट गेट स्टक, अब इतनी चिपचिपी जीव होती है कि वो जो इंसेक्ट है वो गेट स्टक, गेट स्टक मतलब होता है चिपक जाना। द इंसेक्ट गेट स्टक टू देयर टंग्स, तो वो उनकी जीव पर चिपक जाता है और वो तुरंत उसको अंदर खींच लेते हैं, इस तरीके से वो खाने को लेते हैं। और लास्ट है इसमें हमारा एन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, अक्सर वह जमीन के नीचे रहता है तो हम इसको देख नहीं पाते हैं। तो आजकल जैसे बारिश का मौसम आ रहा है तो इस दौरान जैसे ज़मीन में पानी भर जाता है तो ये ज़मीन से बाहर आ जाता है, तो आप इसको ज़मीन पर देख सकते हैं, आपको दिखाई दे सकता है। तो इसमें क्या होता है, हैव ए होल लाइक माउथ, होल लाइक मतलब एक छेद जैसा मुंह होता है बस। तो छेद जैसे मुंह में क्या करता है वो, इट ईट्स मड, तो वो मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं उनको खाता है। दैट हैड बिट्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो मिट्टी के टुकड़े, वो मिट्टी जिसके अंदर बिट्स, बिट्स मतलब होता है टुकड़े, ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों के कोई टुकड़े हो, मरे हुए टुकड़े, जानवरों के टुकड़े मतलब है कि जैसे जानवर मर जाता है तो गल सड़ जाता है, और गलने सड़ने के बाद उसके जो रिमेन, उसके जो पार्ट्स हैं वो मिट्टी मिल जाते हैं, या वो पूरा पूरा मिट्टी मिल जाता है, उसकी खाल, उसकी हड्डियाँ, सब कुछ, उसके बाल सब, तो वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। और ये जो है अर्थवॉर्म उस पार्ट को ये अपने फूड के रूप में लेता है। अब वो चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो, दोनों के जो डेड पार्ट्स हैं उनको ये ईट करता है, खाता है। तो ये थे कुछ खाने के अलग तरीके। अब आते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स पर। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब जो पालतू जानवर होते हैं हमारे, या जो घरेलू जानवर होते हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। और इसके बारे में पढ़ेंगे हम, एनिमल्स दैट सर्व अस, जो हमारे किसी भी काम आते हैं या हमारे हमारी सेवा करते हैं, सेवा का मतलब हमें कुछ ना कुछ देते हैं वो, तो ऐसे जानवरों को हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवर। इसमें एग्जांपल आप याद रखेंगे, कुछ एग्जांपल याद दिए हुए हैं, काउ, कैमल, हॉर्स आर सम डोमेस्टिक एनिमल्स। यहाँ पर नीचे पिक्चर आप देख सकते हो, काउ, कैमल एंड हॉर्स, ये हमारे कुछ ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। दे सर्व अस वेल, वो हमारी अच्छे से सेवा करते हैं, इफ़ यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, यदि, इफ कहो ना, यदि वी टेक, हम करते हैं या लेते हैं उनकी प्रॉपर केयर, उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, ऑफ देम मतलब उनकी, तो उनकी अगर अच्छे से देखभाल करते हैं तो दे सर्व अस वेल, तो हमारी अच्छे सेवा करते हैं। अब गाय भैंस है तो अगर अच्छे से खिलाओगे नहीं तो वो आपको, आप चाहो उससे दूध लेना तो आप दूध नहीं पा ले पाओगे, तो अगर आपको दूध चाहिए तो आपको उसको अच्छे से खिलाना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दे मस्ट बी सर्व्ड फूड, उनको भोजन देना चाहिए, सर्व्ड मतलब परोसना, उनको भोजन देना चाहिए, देना ही कहेंगे हम, परोसना का मतलब उस तरीके से नहीं है, भोजन डालना, जो उसका बर्तन होता है जिसमें वो खाता है उसमें अगर हम खाना डालते हैं तो उसको परोसना कहते हैं। एंड वाटर इन सेपरेट एंड क्लीन वेसल, और उसका जो पानी है वो सेपरेट मतलब अलग, और क्लीन का मतलब पता है आपको, साफ, तो साफ और अलग से एक बर्तन होना चाहिए, वेसल का मतलब होता है बर्तन, उसमें आपको उसका पानी डालना चाहिए जिसमें वो पी सके, ठीक है। नेक्स्ट, देयर शेल्टर्स शुड बी क्लीन्ड एवरी डे,
और देयर मतलब उनके शेल्टर का मतलब होता है जहाँ पर वो रहते हैं, जिनका जो भी शेल्टर है, काउ है, हॉर्स है, हॉर्स का जैसे आपको पता ही है स्टेबल होता है जिसको हिंदी में अस्तबल कहते हैं, और काऊ का होता है सैड, और कैमल का भी सैड ही होता है। तो इनके जो घर हैं उनको हमें अच्छे से साफ रखना चाहिए, शुड बी मतलब क्लीन एवरी डे, हर रोज़ उसकी सफाई होनी चाहिए ताकि वहाँ पर गंदगी ना हो, और गंदगी अगर होगी तो उस वो बीमारी उनको लग जाएगी और वो आपको फिर सेवा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आगे ऑल एनिमल्स नीड प्रोटेक्शन एंड केयर, सभी जानवरों को नीड मतलब आवश्यकता होती है प्रोटेक्शन की, जो हमारे पालतू जानवर हैं उनको सुरक्षा की जरूरत होती है एंड केयर और देखभाल की जरूरत होती है। सिक एनिमल्स शुड बी टेकन टू द वेटनरी डॉक्टर, अगर मान लो कोई आपका जानवर पालतू जानवर या घरेलू जानवर बीमार हो जाता है तो उस सिक एनिमल को, उस बीमार जानवर को शुड बी टेकन ले जाना चाहिए, कहाँ ले जाएं उसको बताओ। अगर आपका घर में कोई गाय भैंस बीमार हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए उस डॉक्टर आता है ना, तो डॉक्टर क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं हम उस डॉक्टर को, वो डॉक्टर क्या हमें ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं या कोई अलग होता है, तो आपको पता है होना चाहिए ये एक अलग डॉक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं वेटनरी डॉक्टर, पशुओं का डॉक्टर, पशु चिकित्सक बोलते हैं इसको। तो पशुओं का जो डॉक्टर होता है वही उनको इलाज कर सकता है, उनका उनको ठीक कर सकता है, तो हमें उनके पास ले जाना चाहिए। अगर हमारा कोई जानवर छोटा है तो हमें उसके पास ले जाना चाहिए, और अगर बड़ा है तो हमें उसे घर पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हर गांव में ये जानवर के जो डॉक्टर होते हैं वो होते ही हैं, तो आप उनको बुला सकते हैं। आगे वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड टू देम, हमें हमेशा उनके प्रति दयालु रहना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज बी काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, ऑलवेज का मतलब हमेशा, और मस्ट का मतलब अवश्य, हमें उनके प्रति अवश्य ही दयालु होना चाहिए। टू देम मतलब उनके प्रति, उनके लिए, एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, और टेक मतलब करनी चाहिए, लेनी चाहिए उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, ऑफ देम मतलब उनकी, तो हमें उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। अगर हम प्रॉपर करेंगे, केयर करेंगे और उनके प्रति दयालु रहेंगे तो वो हमसे प्यार करेंगे और हमें सेवा देंगे। सेवा मैंने आपको बता ही दिया, सेवा का मतलब है जो हमें उनसे काम पड़ता है, जैसे जानवर हैं भाई, गाय है तो हमें दूध देती है, ऊँट है वो बोझ वगैरह ढोने के लिए, जो ऊँट गाड़ी होती है उसमें जोड़ा जाता है, ऐसे घोड़ा भी बोझ ढोने के लिए काम आता है घोड़ा गाड़ी में, और कुत्ता जो है वो भी किस काम आता है, वो हमारे घर की रखवाली के लिए काम आता है। और हैन से हमें क्या मिलते हैं, अंडे मिलते हैं और चिकन भी मिलता है, मीट भी मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इनकी प्रॉपर केयर करेंगे तो ये हमें वो फायदे, वो चीज़ें हमें दे पाएंगे, तो इसके लिए हमें उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके बाय बच्चों।